चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव की जमानत पर 6 नवंबर को सुनवाई होगी। आपको बता दें कि इसको लेकर लालू प्रसाद यादव की ओर से हाई कोर्ट में अर्जेंट मेंशन किया गया था कि जिसे कोर्ट ने अब स्वीकार करते हुए उनकी जमानत पर सुनवाई के लिए 6 नवंबर की तिथि निर्धारित की है। आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव के अधिवक्ता ने कहा है कि हाई कोर्ट में उनके अर्जेंट मेंशन को स्वीकार कर लिया गया है, तो वहीं लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी मामले में जमानत याचिका दाखिल की गई है। तो वहीं उन्होंने उम्मीद भी जताई है कि आधी सजा काटने के आधार पर अब लालू यादव को जमानत की सुविधा मिल सकती है। और अगर ऐसा होता है तो आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव जो कि राजद के सुप्रीमो हैं, वो जेल से रिहा भी हो जाएंगे। वहीं आपको बता दें कि इससे पहले लालू प्रसाद यादव को चाईबासा के 2 और देवघर वाले मामले में जमानत मिल चुकी है, तो वहीं उन्हें कुल 4 मामलों में सजा मिली है। वहीं आपको बता दें कि अब 6 नवंबर को यानी कल लालू यादव की जमानत पर सुनवाई होगी। नेशन न्यूज की रिपोर्ट।